आधार में इस संस्कृति स्वास्थ्य की जय नहीं बोध हो बोध 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 हो। धर्म बोध में आपका अभिनंदन। चैनल के सदस्य बने, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। आदरणीय मित्रों, माँ धरती का बोध हो। एक हमारे मित्र हैं, उनका नाम है सुरेंद्र यादव। वे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या फिलहाल श्री कल्कि भगवान राजनीति में है। ऐसा सवाल होना स्वाभाविक है कि क्या श्री कल्कि भगवान राजनीति में हैं या नहीं है, वे कहाँ हैं स्थित, वे क्या कर रहे हैं। हाँ भाई, आपका प्रश्न अच्छा है। तो सुरेंद्र जी के साथ साथ हमारे सभी मित्रगण जान लें, सुन लें, समझ लें कि वे फिलहाल राजनीति में नहीं हैं और ना ही वे कभी राजनीति में पूर्ण रूप से आएंगे। वे राजनीति को बाहर से ही हैंडल करेंगे। श्री कल्कि भगवान स्वयं जीवन में प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में नहीं आएंगे और ना ही कभी भी राजनीति का कोई भी स्वीकारेंगे ओहदा पद वे नहीं लेंगे और वे बाहर ही रहेंगे राजनीति के। लेकिन राजनीति से बिल्कुल दूर भी रहना संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति को दिशा देना आवश्यक है। इसलिए वे जन आंदोलन का सहारा लेंगे। वे आपका सहारा लेंगे, हमारा सहारा लेंगे, सबका सहारा लेंगे, सबके सहयोग से एक राजनीतिक आंदोलन, और वह आंदोलन पूरे विश्व में फैलेगा। वह कौन सा होगा आंदोलन? पूरे विश्व को एक राष्ट्र बनाओ, वर्ल्ड बी ए नेशन, यह उनका राजनीतिक होगा मुद्दा। ये जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं, भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये जो हैं सीमा, और सारे ही भिन्न भिन्न स्वतंत्र देश, ऐसा वे नहीं चाहते हैं कि हो। एक बने विश्व सरकार और वहां से सबका संचालन हो। आहा, सारे देशों के नाम रहेंगे, वे राज्यों की तरह से, वे देश, वे राष्ट्र, वे प्रांतों की तरह से काम करेंगे। हाँ, अलग अलग सरकारें होंगी सभी प्रांतों में, देशों में, लेकिन एक केंद्रीय सरकार होगी। अभी जो है UNO, वह बड़ा ही वीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ, वह बहुत ही वीक है। और बस वही स्ट्रांग हो जाए, UNO स्ट्रांग हो जाए और लोकतांत्रिक हो जाए, तो बस विश्व सरकार हो गई। और विश्व सरकार जब होगी, जब भी होगी, तो क्या होगा? तो आप दुनिया में कहीं भी आ जा सकेंगे, कोई रोक टोक नहीं, वीजा पासपोर्ट की जरूरत समाप्त। एक होगी मुद्रा, एक ही मुद्रा पूरे विश्व में चलेगा, एक होगी सेना, और ये सारे आतंकवाद समाप्त हो जाएंगे, इस्लामिक जिहाद भी समाप्त, चीन का विस्तारवाद समाप्त, और युद्ध भी समाप्त, और लोग फिर वसुधैव कुटुंबकम यह मानेंगे कि समूची धरती के लोग ही हमारे अपने हैं, हमारे हैं वे स्वजन, वे हैं हमारे कुटुंब। और फिर समूचे विश्व में सतयुगी माहौल हो जाएगा। हाँ, तो मित्र, आपके सवाल का जवाब हो गया है प्राप्त। आप
तो इसी तरह से प्रश्न हमें पूछते रहिए और हम आपको जवाब देते रहेंगे। धन्यवाद।